हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टोपस प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, एबीआरसी का एग्ज़ाम हुआ था अभी हरियाणा में, उसकी आंसर की देखेंगे। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की आई है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप उसे जो है चैलेंज कर सकते हैं। 21 तारीख तक का टाइम दिया गया है, अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो। ठीक है, अगर हमने भी चेक करने की कोशिश की, अगर कोई क्वेश्चन हमें गलत लगता है तो वो हम आपको बता देंगे। और वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जो है हरियाणा के जो आने वाले एग्जाम है उनके लिए थोड़ी सी हेल्प मिल सके कि किस तरीके का पेपर जो है पूछे जा सकते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या है? तो आंसर जो इसका ऑफिशियल की में दिया गया है, अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए, वो दिया गया है 84। ठीक है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि SC के लिए जो सीटों की संख्या है वो 79 है, और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए जो है वो 84 है। तो इसका आंसर जो था 79 होना चाहिए था, 84 नहीं। ओके, तो बस इसमें ये थोड़ा सी डाउट था। आगे देखिए, भारत में पूर्वी तट का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो देखिए, पूर्वी तट का जो दक्षिणी भाग है वो कहलाता है कोरोमंडल तट, मालाबार तट और कोंकण तट, ये है पश्चिमी तट पर, और उत्कल तट जो है ये है उड़ीसा के पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है एपिकल्चर। सबसे पहले तो एपिकल्चर जो है ये किससे रिलेटेड है? मधुमक्खी पालन से। फोर्थ सही हो जाएगा इसका। सेरीकल्चर जो है, सेरीकल्चर रिलेटेड है रेशम कीट पालन से। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से, और हॉर्टिकल्चर फलों एवं फूलों की कृषि से रिलेटेड है। ओके, तो जो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सबसे बड़ा अभयारण्य है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा अबूब शहर। ठीक है, की में जो दिया गया है वो है अबूब शहर, लेकिन कई जगह पर जो है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को जो है सबसे बड़ा अभयारण्य बताया गया है। ठीक है, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य जो है। पुनर्जागरण से पहले यूरोपीय विद्वानों की भाषा थी, तो पुनर्जागरण से पहले की बात की गई है, तो पुनर्जागरण से पहले जो थी यूरोपीय विद्वानों की भाषा थी लैटिन। ठीक है, उसके बाद जो थी वो थी इटालियन। ठीक है, और पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? इटली के महान कवि दांते को जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, तो पहले जो थे ये लैटिन भाषा बोलते थे, बाद में जो इन्होंने लैटिन भाषा को छोड़कर इटालियन भाषा को अपना लिया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर कर्नाटक, ये बिल्कुल ठीक है। मानस असम में, ये भी सही है। पलामू झारखंड में, ये भी सही है। बांधवगढ़ जो है ये MP में है, छत्तीसगढ़ में नहीं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। विंबलडन 2019 पुरुष एकल खिताब की विजेता कौन है? तो ये खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। अगर महिला के बारे में पूछा जाए कि महिला एकल खिताब की विजेता कौन बनी है, तो वो बनी है सिमोना हेल्प। सिमोना हेल्प, इन्होंने जीता है विंबलडन 2019 महिला एकल का खिताब। और पुरुषों में अगर बात करें तो नोवाक जोकोविच। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के निर्वाचन आयोग हैं, तो वो है एक सदस्यीय, और अभी कौन है इलेक्शन कमिश्नर? दलीप सिंह है, डॉक्टर दलीप सिंह। आगे है, हु इज जोको विडिडो? जोको विडिडो जो है ये री इलेक्टेड प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा वॉज एस्टाब्लिश्ड इन 2009। कहाँ पर? जयंतपाली चंडीगढ़, उसमें महेंद्रगढ़ में। ठीक है, जयंतपाली महेंद्रगढ़ में जो है पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी हरियाणा में। आगे देखिए, दिसंबर 2019 में नाटो का सम्मेलन कहाँ होगा? अभी होगा दिसंबर 2019 में नाटो का सम्मेलन, ये होगा लंदन में। 2018 में कहाँ होता है ये भी बताना चाहिए, तो 2018 में हुआ था ब्रुसेल्स में, 19 में ये लंदन में होने वाला है। आगे है, हरियाणा सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो थी वो कब लागू की गई थी?
तो ये योजना जो थी लागू की गई थी 8 मार्च 2015 से पंचकुला में। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जो है इस योजना ये योजना लागू की थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जिस भी मतलब जिस भी पेरेंट्स की जो दूसरी बेटी है वो 22 जनवरी 2015 के बाद हुई है उन्हें 21,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ये इससे रिलेटेड थी। आगे, हरियाणा के किस जिले की सीमा राज्य के 7 जिलों की सीमाओं से लगती है? तो हरियाणा के जो है जींद जिले की वेट, इसमें जो की में आंसर दिया गया है वो रोहतक है, बट मैंने जो पढ़ा है वो जींद की 7 जिलों से लगती है और रोहतक की जो है वो 6 जिलों से लगती है, बट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल की इसका आंसर जो है रोहतक दिया गया है। ओके, मे भी बाद में चेंज हो जाए अगर किसी ने चैलेंज किया तो। की को उदय योजना किससे रिलेटेड है? तो उदय योजना जो है ये रिलेटेड है पावर सेक्टर से, ऊर्जा क्षेत्र से। बिजली मंत्रालय ने यह योजना शुरू की थी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्यूबर? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटैटो, आलू। सी ऑप्शन जो है सही होगा। मेक इन इंडिया प्रयासों के केंद्र में निम्नलिखित केंद्र में एक मिनट, द थ्रस्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन इंडिया इज वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। किसके लिए जो है मेक इन इंडिया जो थी बनाई गई थी? तो वो थी मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण के क्षेत्र के लिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन 1991 अकेडमी अवार्ड? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये जीता है रैमी मलेक ने। यहाँ पे दिया गया है अकेडमी अवार्ड, यानी कि ये ऑस्कर अवार्ड की ही बात हो रही है। ऑस्कर अवार्ड को ये अकेडमी अवार्ड कहा जाता है और ये रैमी मलेक ने जीता है। अगर किसी फिल्म की बात पूछे कि बेस्ट फिल्म का जो है किसने मिला है ऑस्कर अवार्ड, तो वो मिला है ग्रीन बुक को। ठीक है, ग्रीन बुक को जो है ये अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस पूछे तो ओलिविया कॉलमैन, बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है ओलिविया कॉलमैन को, बेस्ट एक्टर का रमी मलिक को, और बेस्ट फिल्म का मिला है ग्रीन बुक को। ठीक है, बेस्ट पिक्चर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं गुजरती है, ये बताना है। तो वो नहीं गुजरती है हिंद महासागर से, प्रशांत से, अर्कटिक और अंटार्कटिक, इन तीनों से गुजरती है, हिंद महासागर से नहीं गुजरती है। प्रसाद योजना किससे रिलेटेड है? प्रसाद योजना जो है ये रिलेटेड है टूरिज्म से, पर्यटन से। आगे मैथ्स की क्वेश्चन है, तो देखिए इसके आंसर बता देती हूँ मैं। 21 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 9,000 रुपये, 22 का जो होगा वो होगा 6 पीसेज, 23 का जो सही आंसर होगा फर्स्ट होगा 200 मीटर, 24 का जो सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा वन। नेक्स्ट 25 में जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। 26 रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए फिल्म निर्माता जो फिल्म निर्देशक किंतु अभी नित्य नहीं, उनका प्रतिनिधित्व बताना था, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से चेक करके बताना होता है ये। आगे 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 ई। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आंसर हो जाएगा बी इसका। 29 का देखिए यहाँ पे 5 के विपरीत फलक पर बताना था कौन सा नंबर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का वो हो जाएगा 3, फर्स्ट आ जाएगा 5 के अपोजिट। ठीक है, 30 में अगर बात करें 4 के विपरीत जो नंबर होगा वो होगा 3। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। 32 का देखिए, 32 और 33, 32 का जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो जाएगा ऑप्शन 4 ए तथा डी। 33 का जो सही आंसर होगा वो होगा सबसे दाएं, एक्सट्रीम राइट। आगे है बी किस स्थान पर है? 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 मीटर। ऑप्शन नंबर 36 में जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, 37 का जो सही आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 39 का जो सही होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर ए 42 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 6 डेज। ठीक है, और जो इसके रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसीलिए सिर्फ आंसर आंसर देख रहे हैं हम इसमें। ठीक, आगे देखिए, इनकी टीचिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 41 जो है, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन से मनोवैज्ञानिक नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक है? लॉरेंस कोहल बर्ग। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? जेबी वॉटसन। नार्सिज्म का गुण विकास की कौन सी अवस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इन्फेंसी, शैशवावस्था में। कौन सी आयु के नीचे वाली आयु में बालक के द्वारा किया जाने वाला है सामाजिक व्यवहार बाल अपराधी बालक की श्रेणी में नहीं आता है? तो वो है 8 वर्ष से कम आयु के। लगभग कौन सी आयु तक शिशु में सभी प्रकार के संवेग जो है वो विकसित हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष की आयु में। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का संरचनात्मक विशेषक नहीं है? रुधिर वर्ग जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा साधनात्मक अनुबंधन, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी विधि निरीक्षण विधि के रूप में जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्दर्शन विधि। एक व्यक्ति उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इस प्रक्रिया के दौरान उसके मस्तिष्क में जो जो चिंतन उभर कर आता है उसे किस प्रकार का चिंतन कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अभिसारी चिंतन। विकास की कौन सी अवस्था को सफूर्ति अवस्था भी कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को। प्रथम मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया था? तो ये किया था बिने तथा साइमन ने। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है? तो वो है अनुमान। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो वो है स्ट्रक्चर्ड, संरचित। जन्म के समय शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 23% होता है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई पड़ती है? तो ये दिखाई पड़ती है किशोरावस्था में, अडोलोसेंस। निम्नलिखित प्रयोगात्मक विधि के अवस्थित पद दिए गए हैं, कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सही तार्किक होगा? तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर 3, थर्ड जो है सही हो जाएगा। कुछ परिवारों में प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम बुद्धि वाले होते हैं, जबकि कुछ परिवारों में कम बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। इस प्रकार का गुण वंशानुक्रम के कौन से नियम के अंतर्गत आता है? तो ये आता है प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन के अंडर। कौन सा व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है? तो पर्सनैलिटी मेजरमेंट टेस्ट जो है इनमें से वो है शाही धब्बा परीक्षण, यानी कि इंक ब्लॉट टेस्ट। कौन से मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के सिद्धांत के विकास हेतु बिल्ली पर पहेली बॉक्स पर प्रयोग किए थे? तो ये किए थे थॉरन डाइक ने, थर्ड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मानव की प्रक्षेपीय तकनीकी नहीं है? तो वो है समाजमिति तकनीकें, सोशियोमेट्री टेक्निक्स। आज सुबह से मूसलाधार बरसात हो रही है, वाक्य में विशेषण पद का चयन कीजिए। तो हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, विशेषण पद बताना है इनमें से कौन सा है, तो मूसलाधार जो है यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस शब्द में दो से अधिक उपग्रह जुड़े हुए हैं, उपसर्ग जुड़े हुए हैं, सॉरी, दो से अधिक उपसर्ग वाला वर्ड बताना है। तो देखिए, किस में जुड़े हुए हैं दो से अधिक उपसर्ग? दुर्व्यवहार में जो है दो उपसर्ग जुड़े हुए हैं। समास की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करना है कि किस में जो है सही समास नहीं दिया गया है। तो देखिए, आपत्तिजनक कर्म तत्पुरुष बिल्कुल सही है, डाक गाड़ी भी ठीक है, लोकसभा संबंध तत्पुरुष ये सही नहीं है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फोर्थ भी सही है, थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य बताना था। तो जिसमें यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुनंदा ने केले खरीदे। ठीक है, वार्तनिक शब्द की प्रकृति प्रत्यय का सही क्रम चुनिए, प्रकृति और प्रत्यय बताने कि इसमें वार्तनिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है।
तो क्या हो जाएगा, वर्तनी प्लस इक हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है असंगत विकल्प चुनिए, यह वेरल है, ये क्या है, अंतस्थ है, तो ये बिल्कुल सही है। डेड है, उत्क्षिप्त वर्ण है, आर लुंठित है, सह शस है, ये जो है स्पर्श नहीं है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। विलोम की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि होता है, आवृत, अनावृत होता है, आचार, अनाचार दिया हुआ है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आकर्षण अनाकर्षण ये सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे किस शब्द में अधि एवं आ दोनों उपसर्गों का जो है उपयोग हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो गया अध्याहार में, ठीक है। निम्न में से असंगत विकल्प चुनना है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 69 का वो होगा छवि से सोचा जाता है क्रमवाच्य में, ये वाला सही नहीं होगा। मांस वगैरह की दृष्टि से अनुचित विकल्प बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा फुलौड़ी, यानी कि फूलों से निर्मित बड़ी, ये जो है सही हो जाएगा। 73 है, दिए गए विकल्पों में से अक्रमक क्रिया कौन सी है, तो इनमें से अक्रमक क्रिया है रोना। यदि वह जाए तो मैं पढ़ूं वाक्य किस मतलब काव्य प्रकार अंकित बताना है कि कौन सा प्रकार है इसमें, तो ये है संकेत वाचक। आगे युग्म शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, तो 71 का हो जाएगा अब्ज बादल अब्द कमल, ये जो है गलत है। किस विकल्प में अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये नहीं हुआ है वैधव्य में, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए मीन गायक दायक पावक आदि शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इनमें प्रत्यय लगा है अक प्रत्यय। इनमें से कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है, तो यण संधि का जो उदाहरण नहीं है इसमें वो है ऑप्शन नंबर सेकंड स्वाधीन। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो महता जो है यहाँ पे सही नहीं लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 में जो है असंगत संधि विच्छेद वाला विकल्प बताना था, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिशु जमायता शिशुवेकता, ये सही नहीं है, ठीक है। सीता मंद मंद मुस्कुरा रही है वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो इसमें है 79 में रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मीन केतु शब्द किसका पर्याय शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा कामदेव का, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है इंग्लिश का, यू डैश ऑनर श्याम बाय कॉलिंग हिम ए टेररिस्ट, तो क्या हो जाएगा, यू डिस ऑनर श्याम, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 है, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द गर्ल आस्क मी इफ आई वुड वेट फॉर ए मिनट, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा द गर्ल सेड टू मी विल यू वेट फॉर ए मिनट, थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज वाइजर देन आई, ट्रांसफॉर्म करना है इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में, तो राइट क्या हो जाएगा, आई एम नॉट सो वाइज एज ही इज वेरी क्लेवर, इंटरोगेटिव में जो है चेंज करना था, तो ये हो जाएगा इज ही वेरी क्लेवर। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस, सी इज इंटेलिजेंट बट लेजी, बट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इडियम फ्रेज बताना है, टू कम टू लाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे सही, टू रिवील, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस, थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो इनमें से जो सही हो जाएगा वो क्या होगा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द वर्ड विच एस्टेब्लिश रिलेशनशिप एंड लिंकेजेस बिटवीन पीपल प्लेसेस थिंग एनिमल एटसेट्रा आर कॉल्ड, क्या कहा जाएगा उन्हें, प्रीपोजिशन, फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द पॉजिटिव डिग्री ऑफ लिस्ट इज लिटल, चूज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, आई हैव नेवर डिसओबेड एंड नोर विल नेवर डिसओबेड माई एल्डर्स, तो इसमें से जो गलत बताना है वो बताएंगे एंड नोर विल डिस सॉरी और
एंड नोर विल नेवर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, कि इसमें जो है ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। ठीक है, कीपिंग इन व्यू द कंसेप्ट गिवन इन ब्रैकेट यू रॉट इन हेल, यहाँ पे क्या आ जाएगा सही, यहाँ पे होगा मे यू रॉट इन हेल। पिक द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एडवर्ब टू, दीज मैंगोज आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड, तो ये हो जाएगा दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी गुड। ठीक, न्यू मीनिंग कैन ऑलवेज बी डिराइव्ड फ्रॉम गुड राइटिंग, थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। हिज एडवाइस वी आई सी हो जाएगा, हिज एडवाइस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज एडमायर हिज करेज सेकेंड ऑप्शन, इफ यू हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन, यहाँ पे हो जाएगा इफ यू हिट हार्ड, तो फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पे। अगला है आई शेल विजिट हिम नेक्स्ट मंथ, शेल विजिट हो जाएगा। अगला देखिए, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चेंज इन द पैसिव वॉइस, दे हैव नॉट कॉट द थीव्स, तो द थीव्स हैव नॉट बीन कॉट बाय दम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ही डैश रीच द स्टेशन इन द टाइम टू रिसीव दम, तो क्या हो जाएगा ही ऑट टू रीच द स्टेशन इन टाइम टू रिसीव दम, सेकेंड ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थी ए बी आर सी की ऑफिशियल आंसर की, थैंक यू सो मच। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं 21 तारीख तक। ओके, थैंक यू सो मच।